ठीक है, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सीपी वन में अभी जो लोग आईआईटी में दे रहे हैं उन लोग का पूरा सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, एंड जो लोग आईएफओए से दे रहे हैं उनका ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम है, राइट। आईएफओए 2 बार ऐसा बोल चुके चेंज कर चुका है, बट अभी तक उन्होंने चेंज नहीं किया। मतलब आईएफओए का जहां तक ऑब्जेक्टिव ही होगा, तो आईआई वालों का भी एमसीक्यू आता है, तो 10 MCQ आता है, लेकिन आप लोग का पूरा 100 मार्क्स ही, आईएफओए वालों का 100 मार्क्स ही वो होगा, राइट। इस सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस फाइनेंस। आए तो पूरा एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग का कॉन्सेप्ट का क्लास अलग होगा, एंड प्रैक्टिस सेशन वी विल हैव फॉर आईएफओए, वी विल हैव सेपरेट क्लासेस फॉर दिस एमसीक्यू। आईआई वाले भी कर सकते हैं उनको, बट जो एक्सटेंसिव एमसीक्यू प्रैक्टिस है वो हम लोग करेंगे। बाकी फुल फ्लेज्ड सम्स भी करना जरूरी है, बिकॉज इफ यू डोंट हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट यू वोंट बी एबल टू सॉल्व दिस एमसीक्यूज आल्सो। एमसीक्यू ऐसा नहीं आने वाला कि एक एमसीक्यू दे देगा एंड उसमें 4 ऑप्शन होंगे। दे विल गिव यू अ पैराग्राफ, राइट, एंड और एक क्वेश्चन दे देगा, उसमें से बहुत सारा सीरीज ऑफ एमसीक्यू निकाल के देगा, राइट। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट विल कम, वो हम लोग बात करेंगे उसमें स्पेसिफिकली। बट इनिशियली इन फ्यू क्लासेस वी विल लर्न द कॉन्सेप्ट, बिकॉज दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सब्जेक्टिव पेपर हो या एमसीक्यू पेपर हो, एमसीक्यू पेपर में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, तो आप नहीं अब करेंगे ही मैं इसको, ठीक है ना। ये जो सब्जेक्ट है आप CM1 पढ़ लीजिए, आप CS1 पढ़ लीजिए। अगर आप ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे तो आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगा। व्हेनेवर यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ रिसर्च वर्क, एनी काइंड ऑफ एनालिसिस, यू नीड टू नो सम फ्यू अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। जैसे आप लोग इंश्योरेंस सेक्टर में काम करेंगे और आपको इंश्योरेंस कंपनी का बैलेंस शीट ही देखना नहीं आता है, यू डोंट नो व्हाट इज इनकम व्हाट इज एक्सपेंस, देन यू वोंट बी एबल टू फेच डाटा, राइट। एंड आफ्टर फेचिंग द डाटा जब आप अपना एनालिसिस करेंगे, यू नीड टू गिव प्रॉपर रिपोर्ट्स। तो वो रिपोर्ट में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो सब चीज हम लोग इस सब्जेक्ट में बात करेंगे। सो दिस पर्टिकुलर टॉपिक फोकस मेनली ऑन अकाउंटिंग पार्ट। नॉट क्लियर? क्लियर ही तो है, इज इट नॉट ऑडिबल एवरीवन? वॉइस इज इकोइंग, दूसरा जगह थोड़ी लॉग इन किया हुआ है। अब ठीक है क्या? हाँ ठीक है, उनका वो टेक्निकल इशू होगा, ऐसे तो समझ में आ ही रहा है। जिनको भी सुनाई नहीं दे रहा ठीक से, वो लोग अपना थोड़ा नेट चेक कर लीजिए। ऑडिबल बट नॉट क्लियर, अभी भी आप सुनाई दे रहा है? हाँ क्लियर है, अब क्लियर है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम लोग काफी सारा मिक्सिंग किया हुआ, जैसे समथिंग यू विल लर्न अबाउट फाइनेंस आल्सो, समथिंग यू विल लर्न अबाउट टैक्सेशन आल्सो, अकाउंटिंग, समथिंग यू विल लर्न अबाउट डिसीजन मेकिंग, देन कैपिटल बजटिंग इज ऑल्सो इन्वॉल्व। तो अगर मैं एक सब्जेक्ट की बात करूं तो इसमें कोई पर्टिकुलर सेगमेंट नहीं है। जैसे अगर CS1 है तो पूरा स्टैटिस्टिकल ओरिएंटेड है, CM1 पूरा मैथमेटिक्स ओरिएंटेड है, राइट। जो लोग कॉमर्स स्टूडेंट है जिनका ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट हो चुका है, उनको मालूम होगा कि ये लोग अलग अलग सेमेस्टर में दे स्टडी वन वन सब्जेक्ट। टैक्सेशन उनका अलग सब्जेक्ट होता है, अकाउंटिंग अलग सब्जेक्ट होता है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग अलग होता है, इस तरीके से डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, बट यहाँ पे सब कुछ मिक्स एंड मैच कर दिया है। मतलब एंटायर बिजनेस रिलेटेड, अकाउंटिंग रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो सभी सब्जेक्ट में तुमको सिखाया जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग जो शुरू करेंगे,
दैट इज चैप्टर 9 to 15। हम लोग सीधा चैप्टर 9 to 15 पहले करेंगे बिकॉज दिस कवर्स 40% ऑफ योर सिलेबस। सो आने वाला 1 महीना 1.5 महीना में हमारा टारगेट यही है कि हम लोग ये 40% को पहले कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो चैप्टर्स हैं, जब मैं ये 40% कवर कराऊंगा तो बाकी 60% करने में हम लोगों को उतना टाइम नहीं लगेगा, राइट? तो वो हम लोग ऑटोमेटिकली वी विल कवर दैट। चलिए, सो बेसिकली आप लोगों को करना क्या है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स का सेट तो आप लोगों को मिला ही है, तो आप लोग घर पे चैप्टर 9 से लेके 15 तक देखना शुरू कर सकते हैं। मैं क्लास में तो कराऊंगा ही, बट फिर भी इफ यू वांट यू कैन वॉच रिकॉर्डेड लेक्चर्स चैप्टर 9 से 15 का, ठीक है? तो अभी हम लोग स्ट्रेट अपे विल स्टार्ट विद हार्डकोर अकाउंटिंग पार्ट। जो अकाउंटिंग रिलेटेड पोर्शन है इसका 40% वो हम लोग कवर करेंगे पहले। तो सिलेबस बुक में चैप्टर 9 से लेके 15, 9 to 15 इज कंप्लीटली अकाउंटिंग रिलेटेड। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाया जाता है, बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है, रेशियो एनालिसिस क्या होता है, राइट? अकाउंटिंग के क्या क्या लिमिटेशन होते हैं, ये सारी बातें चैप्टर 9 से 15 में की हुई है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको कोर्स शेड्यूल है, उस कोर्स शेड्यूल के हिसाब से यू कैन वॉच। क्लासेस में तो हम लोग पूरा कवर करेंगे, ठीक है ना? तो दिस बेसिकली विल कवर 40% सिलेबस। ठीक, चलिए। तो क्लासेस में रेगुलरली आना है, राइट? ऐसा नहीं है कि आप लोग आज ऑफलाइन आ गए कल नहीं आएंगे, राइट? इफ यू डोंट वांट मेंटेन कंटिन्यूटी तो आपको को समझ में नहीं आने वाला, राइट? बिकॉज ईच एंड एवरी क्लास इज लिंक्ड विद द प्रीवियस क्लास, ठीक है? चलिए, नाउ आप लोगों ने प्लस टू पढ़ा है तो यू ऑल हैव the idea about what is accounting, but let me show you different perspective of accounting, what I see accounting is all about, right? अगर कोई मेरे को बोलता है अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग इज बेसिकली रिकॉर्डिंग। नाउ व्हाट डू यू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, ठीक है ना? अकाउंटिंग बेसिकली होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। हम स्ट्रेट अवे वी आर गेटिंग इन साइड द टॉपिक बिकॉज वी आर डोंट वॉन्ट टू वेस्ट टाइम हियर एंड देयर, ठीक है? तो सब गॉसिपिंग करने का टाइम नहीं है, सो लेट अस स्ट्रेट अवे गेट इन टू द सब्जेक्ट सो दैट वी कैन कवर। जब हमारा 40% सिलेबस, बिकॉज बहुत सारे जन कॉम्बो ले रखे हैं, दे आर डूइंग CM1 एंड CB1 ऑल्सो, सो माई टारगेट इज टू गेट CB1 कम्प्लीटेड बाई दी 15th of December। तो इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा एंड यू कैन गिव मोर टाइम टू CM1 ऑल्सो, ठीक है? CB1 में मैं क्लास में जो पढ़ाऊंगा, राइट, दैट इज सफिशियंट एंड रिकॉर्डेड लेक्चर इटसेल्फ इज सफिशियंट। इफ समवन वांट्स टू डू फ्रॉम रिकॉर्डेड लेक्चर्स वो पूरा कर सकता है, राइट? प्लस यू विल बी फाइंडिंग मास्टर क्लास ऑल्सो, राउंड अबाउट 18-19 मास्टर क्लासेस देयर, उसमें हम लोगों ने रिविजन बुकलेट सॉल्व कराया है। काफी सारा रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे रिवीजन बुकलेट का क्वेश्चंस कराया हुआ है, बट इसमें भी आप लोग को मास्टर क्लास में भी रिवीजन बुकलेट मिलेगा, ठीक है? चलिए, सो अकाउंटिंग इज बेसिकली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, राइट? नाउ व्हाट इज ट्रांजैक्शन, हम लोग किसका अकाउंटिंग करते हैं? कैन आई डू अकाउंटिंग ऑफ माई, सपोज मैं कहीं पे काम करता हूँ, मेरे को सैलरी मिलता है, अकाउंटिंग कर सकते हैं? बट अंडरस्टैंड, मैं जो अकाउंटिंग करूंगा दैट विल बी कंफाइंड टू मी ओनली। मेरे को सैलरी मिल रहा है उसके बाद मैं घर चला रहा, व्हाट यू हैव टू डू विद दैट? तो यहां पे अकाउंटिंग उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको समझ में नहीं आएगा। मैं एक जगह नौकरी कर रहा हूं, मेरे को 50,000 रुपये तनख्वाह मिल रहा है, आई एम स्पेंडिंग दैट मनी, राइट? तो जो भी मेरा फाइनेंशियल पोजीशन है, जो भी मेरा अर्निंग्स है, डू आई नीड टू शेयर विद माय फ्रेंड्स? नो। हाँ, जब शादी करते हैं हम लोग तो उस समय वो फेरा लेते हैं ना, तो उसमें 7 वचन होता है, तो उसमें से वन ऑफ द प्रॉमिस इज दैट व्हाट एवर यू अर्न यू नीड टू टेल योर वाइफ। बट उल्टा नहीं होता कि व्हाट एवर द वाइफ अर्न दैट सेम हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू द हस्बैंड। कि हम लोग इक्वालिटी का बात करते हैं ना, इसलिए कभी कभी ऐसा इट हर्ट्स, राइट? तो ऐसा बोला जाता है, बट मैं नहीं मानता,
मैंने 10 साल हो गया मेरा शादी को, आई हैवंट सेड व्हाट आई अर्न, माय वाइफ डजंट नो, राइट? सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है सोचने का. तो इफ आई एम अर्निंग, मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ एंड मैं खर्चा कर रहा हूं, तो मेरा एक अकाउंटिंग उतना रेलिवेंट नहीं है. बट थिंक अबाउट अ बिजनेस जहां पे क्या होता है, पैसा कोई और लगाता है, चलाता कोई और है. बिजनेस भी अलग अलग टाइप के होते हैं. ये आपका एक चैप्टर है, इसमें चैप्टर नंबर 2 है शायद. इसमें क्या सिखाया जाएगा आपको, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप. जैसे एक्चुएटर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट इज द सोल प्रोप्राइटरशिप, एक ओनर है, राइट? वन ओनर. वैसे पार्टनरशिप भी हो सकता है जहां मोर देन टू और मोर ओनर हैं. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी, राइट? सोल प्रोप्राइटर में एक ओनर होता है, पार्टनरशिप में टू और मोर ओनर होता है, कंपनी में बहुत सारे ओनर होते हैं. सपोज मैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में हूं, तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्या होगा, फंड लिमिटेड होता है. आज मैं धंधा कर रहा हूं, मैं कितना पैसा लगाऊंगा, पैसा से पैसा बनता है, सिंपल सा फंडा. ग्रोथ फैक्टर सीखा ना, कंपाउंडिंग फैक्टर, इंटरेस्ट रेट. सिंपल इंटरेस्ट में ज्यादा कमाई होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मालूम है. तो बिजनेस में भी जितना ज्यादा पैसा लगाएगा, अर्निंग आएगा, उसको फिर प्लॉ बैक करेंगे, री इन्वेस्ट अगेन, उसमें से अर्निंग आएगा उसको वापस. तो इस तरीके से बिजनेस चलता है, ग्रोथ फैक्टर तभी होता है. तो सोल प्रोप्राइटरशिप में मैक्सिमम एक ही बंदा पैसा लगा सकता है. कितना लगाएगा, 25-30 लाख रुपए उसको दहेज में मिला होगा, बस उतना ही लगा सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं लगा पाएगा. प्लस उसका पर्सनल कोई सेविंग्स हुआ तो पार्टनरशिप में 2 लोगों का पैसा लगेगा. भाई अगर मैं कंपनी बनाऊ तो आई कैन रेज मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, मार्केट से मैं पैसा ले सकता हूँ बहुत लोगों से, राइट? तो अगर आपको लार्ज स्केल में बिजनेस करना है, बहुत लोगों को आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तब आपको कंपनी फॉर्म ऑफ एंटिटी बनानी पड़ेगी, राइट? तो मैं क्या बोला, अगर मैं सैलरीड एम्प्लॉय हूं, मैं कमा रहा हूं, मैं खर्चा कर रहा हूं, माई अकाउंटिंग इज नॉट रिलेवेंट फॉर एनी वन एल्स. सोल प्रोप्राइटरशिप में मैं ही पैसा लगा रहा हूं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं. सो जो भी मैं अकाउंटिंग करूंगा, दैट विल बी रेलिवेंट फॉर मी और फ्यू मोर पर्सन. लेकिन अगर मैं पार्टनरशिप कर रहा हूं, तो नाउ द अकाउंटिंग इज रेलिवेंट फॉर मी एज वेल एज फॉर माई पार्टनर प्लस फ्यू अदर. बट इफ आई एम डूइंग इन कंपनी फॉर्म ऑफ एंटिटी, नाउ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट फॉर सो मेनी इन्वेस्टर्स. प्लस कंपनी में होता क्या, पैसा कोई और लगाता, चलाता कोई और है, तो जो चला रहा है उसके लिए भी फाइनेंशियल फिगर्स आर इंपॉर्टेंट. तो जैसे जैसे देखो ये एंटिटी साइज बड़ा हो रहा है ना, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बिकमिंग मोर एंड मोर रेलिवेंट एंड इट इज बींग रेलिवेंट फॉर मोर नंबर ऑफ पर्सन. शुरू किया मैंने सोल प्रोप्राइटर, उसमें ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, पार्टनरशिप में थोड़ा और ज्यादा लोगों का होता है, लेकिन कंपनी में बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, राइट? प्लस कंपनी फॉर्म ऑफ एंटिटी में पैसा कोई और लगा रहा है, चला कोई और रहा है. तो जहां पर भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आएंगे ना, वहां पर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट है वहां. तो बिजनेस आप किसी भी फॉर्म ऑफ एंटिटी में कर सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा. इनिशियल आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट इज अकाउंटिंग, हाउ टू गेट दिस इंफॉर्मेशन, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट, हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू गेट द फाइनेंशियल पोजीशन दैट इज नेटवर्क, राइट? सो अकाउंटिंग इज बेसिकली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स. नाउ व्हाट इज दिस ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज. व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर वी टॉकिंग अबाउट, बिजनेस क्या एक्टिविटी करता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज. व्हाट आर वी डूइंग, एक्सचेंजिंग सर्विसेज, यू आर पेइंग फॉर दैट. मैंने आपको कोई सामान बेचा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, राइट? सो ये जो भी एक्सचेंज हो रहा है, मैंने आपको सर्विस प्रोवाइड किया, इसमें मेरा काफी सारा खर्चा इन्वॉल्व है. कैसा, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इतना सारा एसेट देख रहे हैं, इसका डेप्रिसिएशन होता है, यूज कर रहे हैं आप एसेट को, राइट? इतना सारा स्टाफ लोग है उसका खर्चा है, प्लस कोरियर चार्जेस हो रहा है बाहर वाले बच्चों के लिए, प्रिंटिंग कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट है, राइट? देयर आर सो मेनी एक्सपेंसेस. सो आई वांट टू फाइंड आउट कि वेदर आई एम अर्निंग और नॉट, व्हाट एवर आई हैव कलेक्टेड दैट इज मोर देन माई एक्सपेंडिचर ऑफ, राइट? सो अकाउंटिंग इज बेसिकली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब बिजनेस एक्टिविटीज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज.
ना, ये जो भी बिजनेस एक्टिविटी होता है ना, इसको वी हैव टू मेजर इट इन टर्म्स ऑफ मनी, मॉनेटरी टर्म्स में मेजरेबल होना चाहिए। सर आप मेरे को पढ़ा दो, एंड मेरे पास एक आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है दैट आई विल गिव इट टू यू। नाउ हैव टू सी वेदर आई कैन वैल्यू इट और नॉट, वेदर इट इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी और नॉट। अगर मैं उसको मेजर नहीं कर पा रहा हूं तो इट वॉन्ट बी रिकॉर्डेड, राइट? सो अकाउंटिंग में बेसिकली हम लोग बिजनेस एक्टिविटीज में इनफ्लो होता है, आउटफ्लो होता है, काफी सारा ट्रांजेक्शन होते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज होती है विच इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। एंड इवेंट्स होता है रिजल्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन। आज मैंने 10 पीस खरीदा और 60 बेच लिया, ये दो ट्रांजैक्शन हुए, दो बिजनेस एक्टिविटी हो गए, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। पहले मैंने किसी से खरीदा, आई हैव सोल्ड टू समवन, एज अ रिजल्ट क्या क्या हुआ बताओ? पैसा नहीं वो तो समझ में आ रहा है कि पहले गुड्स खरीदा उसमें आउटफ्लो ऑफ मनी हुआ है, एंड देन मैंने गुड्स सेल किया उसमें इनफ्लो ऑफ मनी, ये दीज आर द टू ट्रांजेक्शन, बट इनका इफेक्ट क्या है, व्हाट आर द रिजल्ट्स आउटकम ऑफ दीज टू ट्रांजेक्शन? गेन और लॉस हुआ, वेरी गुड, दैट इज प्रॉफिट। हाँ प्रॉफिट, वन मोर, नहीं प्रॉफिट लॉस हो गया है, गेटिंग द बुक्स आई एम लेफ्ट विथ थ्री स्टॉक, आया ना, आई एम लेफ्ट विथ हाउ मेनी स्टॉक? सो द रिजल्ट ऑफ दीज टू, वन परचेज वन सेल का आउटकम क्या है? सर हमने कमाया 7 यूनिट पे और 3 हमारा बच गया, सिंपल है ना? हाँ? हमने कमाया कितना? 7 यूनिट पे, 10 खरीदा तो 7 बेचे, तो 7 पे ही कमाया और 3 हमारा बच गया, राइट? सो इफ समवन आस्क्स यू व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज बेसिकली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। क्या ट्रांजैक्शन? बिजनेस एक्टिविटीज, इनफ्लो ऑफ गुड्स, आउटफ्लो ऑफ गुड्स, इनफ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश, राइट? सिंपली सिंपली प्लस माइनस और कुछ नहीं, आया आया आया, एड एड गया गया गया, प्लस इवेंट्स ऑल्सो यू हैव टू रिकॉर्ड द आउटकम ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस। व्हाट माय पॉइंट? चलो नाउ व्हिच ऑल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स वी विल रिकॉर्ड, जो इस साल का है, विच आर कंप्लीटेड इन एन अकाउंटिंग पीरियड। हाँ जो इस साल का वही तो रिकॉर्ड होगा। नाउ टेल मी व्हाट इज बिजनेस लाइफ, बिजनेस का लाइफ 2-3 साल का होता है कि जब सदाबहार? बिजनेस का लाइफ इज इनफाइनाइट। इफ आई टॉक अबाउट बिजनेस लाइफ, इट इज इनफाइनाइट। बिजनेस का लाइफ इनफाइनाइट होगा। हाँ सो इफ आई हैव टू मेजर परफॉर्मेंस, सपोज तुम क्लास 1 में है, तुमको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, तुम पढ़ रहे हो, तुमको सिखाया जा रहा है, पहले ABCD सिखाया, फिर A4 Apple ऐसे सिखाया, फिर 1 2 3 4 सिखाया, फिर एडिशन सिखाया, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लीकेशन दिया, ऐसे करके तुमको सिखाया और तुम्हारा एग्जाम ही नहीं ले रहा, तो तुमको तुम्हारा परफॉर्मेंस मालूम चलेगा? चलेगा क्या? नहीं चलेगा। सो क्या होता है, अब हम लोग जब बड़े हो जाते तो क्या होता है, 3 महीना में फर्स्ट टर्म होता है, फिर मिड टर्म, फिर प्री बोर्ड, फिर फाइनल, इस तरीके से ऐसे एग्जाम दिया जाता है ना, वैसे ही बिजनेस का लाइफ इनफाइनाइट होता है, इट गोज ऑन ईयर आफ्टर ईयर। सो इफ आई हैव टू मेजर द परफॉर्मेंस, आई हैव टू ब्रेक दिस बिजनेस लाइफ इनटू स्मॉल स्मॉल इंटरवल्स। Each interval is of 12 months. Now, why 12 months? Why not 6 months? That I will come later. This each interval is known as accounting period. Generally, it is Jan to December. Calendar year is the accounting year. Now, आप लोग जब काम करने जाएंगे ना, you might work in UK, US, India, कहीं भी आपको जॉब मिल सकता है।
Now, when you work in different countries, वहां का आपको सिस्टम समझना पड़ेगा whether they follow 12 month as calendar year or whether they follow 12 month as fiscal year. Fiscal year होता है April to March. बहुत जन जुलाई टू जून भी फॉलो करता है. काफी सारी कंट्रीज में अक्टूबर टू सितंबर भी होता है. जनरली 12 महीने का होगा. सिंपल सा फंडा. तो आपको क्या करना है, यू फर्स्ट नीड टू चेक द अकाउंटिंग पीरियड जिसका आप अकाउंटिंग कर रहे हैं. वही ट्रांजैक्शंस को आप इनकॉर्पोरेट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे जो इस साल का है जिसका आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, ना पिछला ना आगे का. सिंपल फंडा है, राइट? सो बस यही होता है अकाउंटिंग, और कुछ भी नहीं है. तो अगर आपको कोई पूछेगा अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है, क्या बोलेंगे? रिकॉर्डिंग. व्हाट डू यू रिकॉर्ड? इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज कैश मनी, राइट? प्लस आउटकम ऑफ दीज एक्टिविटीज जो इस साल का होना चाहिए. नाउ आफ्टर यू डू द रिकॉर्डिंग पार्ट, राइट, वी विल फाइंड आउट नंबर वन इनकम अपनी लॉस फॉर द ईयर. हाँ, बहुत सिंपल है. रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर. क्या पैसा आया कमाई, खर्चा तो भी. मेरा इंग्लिश थोड़ा खराब है. ठीक है, एंड नेटवर्क. आपने कमाया, उस कमाई का क्या किया? सर मैंने म्यूचुअल फंड करवाया. इन्वेस्टमेंट किया, सर मैंने गाड़ी खरीदी. तो ये सब आपका क्या नेटवर्क है ना, तो इसको अपन फाइनेंशियल पोजीशन भी बोलते हैं. ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है सर? अपन को रिकॉर्डिंग करने का है सारा बिजनेस एक्टिविटीज को. आया 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 प्लस प्लस प्लस, जा रहा जा रहा जा रहा, समझ गया? सारा इनकम को टोटल कर लेंगे, सारा एक्सपेंडिचर को टोटल कर लेंगे, सारा रेवेन्यू का टोटल कर लेंगे. इस तरीके से आई विल हैव डिफरेंट आइटम्स कि हमारा कैश इतना है, हमारा परचेज इतना है, हमारा सेल इतना है, हमने इतना सैलरी पेमेंट किया, इतना हमारा रेंट है, इतना हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है, राइट? सब हिसाब रख लो. बिजनेस करोगे ना, कितना सारा पैसा, पहले उधर पैसा लग जाता है, फिर उसे आप एसेट खरीदोगे, प्लांट एंड मशीन जिससे प्रोडक्शन होगा, फिर आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, फिर आप मजदूर को लेबर दोगे, राइट? प्रोडक्शन करके फिर आप बेचेंगे. ना डायरेक्टली आप नहीं बेच सकते, आपको एजेंट रखना पड़ेगा, उसको कमीशन देना पड़ता है. डायरेक्टली यू डोंट नो हु आर द कस्टमर्स, यू हैव टू गो थ्रू एजेंट्स, तुमको कमीशन देना पड़ेगा. तो ये सब एक्टिविटीज तो है. कहीं पे आप सर्विस ले रहे हैं, कहीं पे आप सर्विस दे रहे हैं, कहीं पे आप गुड्स खरीद रहे हैं, कहीं पे आप गुड्स बेच रहे हैं. एक्सचेंज ही हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है. बट हमेशा याद रखना, इट शुड बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी. अगर उसका इक्विवेलेंट मॉनेटरी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, मनी इज द डिनोमिनेशन, एज सिंपल एज दैट. राइट, सपोज मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं. मैंने तुमसे 2 किलो चावल खरीदा और 1 किलो दाल बेच दिया. ये भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स है. इसको हम लोग बार्टर स्कीम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ये ट्रांजैक्शन है कि नहीं है? कैसे नहीं मॉनिटरी? अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं. मॉनिटरी हमेशा डजेंट मीन पैसा.
सेटलमेंट इज ऑल्सो मॉनिटरी. 2 किलो चावल के बदले में 1 किलो दाल सेटल हो गया ना हिसाब. आप 2 किलो चावल कहीं और से भी खरीदते होंगे तो उसकी जो वैल्यू इसको मान लो, और 1 किलो दाल कहीं और भी बेचा होगा तो उसकी जो वैल्यू वो मान लो. तो अल्टीमेटली व्हेन यू आर एक्सचेंजिंग गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ अनदर गुड, इट इज ऑल्सो अ ट्रांजैक्शन. तो हाउ डू यू अराइव एट 2 किलो ऑफ राइस इज इक्वल्स टू 1 किलो ऑफ दाल? कैसे अराइव किया आप? इतना आसान से तो अराइव नहीं होगा. ठीक है, सो बटर स्कीम इज ऑल्सो ट्रांजेक्शन. आपको पूछेगा क्या बटर स्कीम ट्रांजेक्शन, आप बोलेगे हाँ राइट. सो एनी काइंड ऑफ एक्सचेंज गुड्स सर्विसेस, गुड्स का एक्सचेंज सर्विस, कोई एसेट हो गया, बटर स्कीम मॉनिटरी टर्म्स में मेजरेबल है. बस मॉनिटरी डजंट मीन्स ऑलवेज मनी. Promise to pay at a future date is also money. Promise to pay at a future date is also money. भगवान कसम 1 महीना बाद दे दूंगा पैसा, ये भी बनी है इसको. नहीं हुआ है ना, हमने एक तरफ तो एक्सचेंज हुआ ही है, बदले में मैं आपको कैश अभी नहीं दे रहा हूं. जरूरी नहीं हमेशा आपको कैश देना पड़ेगा. मनी डजेंट मीन्स कैश, इक्विवेलेंट मनी इज ऑल्सो कैश. प्रॉमिसरी नोट, ऑब्लिगेशन टू पे इन फ्यूचर. सो मनी डजेंट मीन्स की कैश आपको 500 का नोट देना ही पड़ेगा. 2000 का तो आप वैलिड नहीं है राइट. ऐसा नहीं है कि आपने कुछ खरीदा तो बदले में आपको 500 देना पड़ेगा या पैसे देने पड़ेंगे, बाद में देंगे. इज ऑल्सो इक्विवेलेंट मनी. लिखित दे दिया, इट इज ऑल्सो मनी. बदले में कुछ और दे दिया, इट इज ऑल्सो मनी. मनी डजेंट मीन्स ऑलवेज हार्ड कैश. इक्विवेलेंट मनी, इसको मनीज वर्थ बोलते हैं अपन, वो भी चलेगा. अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो रहा है, चीजें हमारी सेटल हो रही है हम दोनों के बीच में, आज या फ्यूचर में होगा. ऐसा नहीं कि फ्यूचर में सेटल होगा तो लेट्स पोस्टपोन दिस. नो, यू कैन नॉट डू दिस. राइट, सो वी आर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स, इनका आउटकम्स को भी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं. वही वाला करेंगे जो इस साल का है. स्मॉल स्मॉल इंटरवल में बिजनेस लाइफ को डिवाइड किया गया है. आफ्टर यू आर डन विद द रिकॉर्डिंग पार्ट, वी विल फाइंड आउट नेट प्रॉफिट एंड नेट वर्थ. ये आपके एग्जाम में है, इसका प्रिपरेशन आता है. ठीक है, अब एक चीज सोचो. सर मैंने ये निकाल लिया, इसको हम लोग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं. क्या बोलेंगे इसको? यू विल फाइंड आउट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. काफी सारे साइंस बैकग्राउंड के बच्चे भी हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा बेसिक कवर कर रहा हूं, अदरवाइज आई विल स्टार्ट अप स्टार्टेड. ठीक है ना, we will share 3 videos in the group today. YouTube link है. Those of them engineering background, science background, वो उन 3 वीडियो को देख सकता है और basic detail में कराया हुआ है. ठीक है ना? So once you find out this information, as I told you that I am interested, few more are also interested. Now who are those few more persons? Those who are interested in knowing this information. इसको हम लोग स्टेक होल्डर्स बोलते हैं. क्या बोलेंगे? स्टेक होल्डर्स. जैसे वन ऑफ द स्टेक होल्डर इज गवर्नमेंट. व्हाई गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड? टैक्सेस, सबसे बड़ा बात, टैक्स ऑन नेट प्रॉफिट. इनफैक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होता है? जो लोग चलाता है बिजनेस को. सोल प्रोप्राइटर में मैं मालिक, मैं ही डायरेक्टर. पार्टनरशिप में मैं मालिक, मैं ही डायरेक्टर.
कंपनी में मैं मालिक, मैं डायरेक्टर नहीं। कंपनी में पैसा कोई और लगाता है, चलाता कोई और। हाँ, प्रमोटर डायरेक्टर बन सकता है, ऐसा नहीं कि प्रमोटर डायरेक्टर नहीं बन सकता, बट कहने का मतलब वो बाइफर्केशन किया हुआ। यू आर द ओनर, यू आर द ग्रुप ऑफ ओनर्स, यू आर द ग्रुप ऑफ पर्सन हु आर रनिंग दी शो। राइट, जितने भी प्रमोटर्स है, जितने भी शेयर होल्डर हैं, दे विल फॉर्म अ बॉडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो लोग खुद भी शामिल हो सकते हैं उसमें। राइट, ये बंदा फाइनेंस में अच्छा है, इसको लो। ये बंदा ह्यूमन रिसोर्स में अच्छा है, इसको उठाओ। ये बंदा मार्केटिंग में अच्छा है, इसको उठाओ। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कमिटी फॉर्म हुआ ना, वो कमिटी खुद नहीं करती सब कुछ, वो मैनेजर अपॉइंट करेगी। मेरे पास पैसा है, धंधा करने का सेंस नहीं है, तो मैंने पैसे लगाए, मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कमिटी बनाई। अब इनका काम है बेस्ट इंडस्ट्री से पर्सन को हायर करना, प्रोफेशनल्स को हायर करना। दे विल रन द शो ऑन बिहाफ ऑफ मी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बदले में क्या मिलेगा? रेम्यूनरेशन। ओनर्स, दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड, प्रॉफिट्स। आज अगर मान लो ये बिजनेस अच्छा प्रॉफिट नहीं दे रहा, तो क्या करूंगा मैं? यहां से डिस इन्वेस्टमेंट करके कहीं और लगाऊंगा? माई मनी इज वैल्यूएबल टू मी। स्टॉक मार्केट मालूम है ना, इतना सारा बाइंग सेलिंग होता है एक दिन में। जिस स्टॉक को लोग बाय कर रहे, इसका मतलब दैट स्टॉक इज अबाउट टू मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर। एंड जिस स्टॉक को इन्वेस्टर बेच रहा है, इसका मतलब दैट स्टॉक इज नॉट फुलफिलिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर। कई बार ऐसा होता है कि शेयर प्राइस गिरते जाता है, गिरते जाता है, गिरते जाता है, गिरते जाता है, जीरो हो जाता है, किसी का भी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर पाए, किसी का भी नहीं कर रहा। जब कोई बेचता है ना, नीचे बायर होना चाहिए, तब उसका शेयर प्राइस कंसिस्टेंट रहता है। सभी कोई बेचने चला गया, बायर कोई है ही नहीं। आज आप लोग मार्केट में टीवी वगैरह में न्यूज देखते होंगे, बाजार मूवी देखना तुम लोग, CP1 के लिए मस्त है। उसमें दिखाता है कि प्रमोटर को अगर अपना होल्डिंग बेचना है तो वो क्या करता है, मार्केट में न्यूज फैला देता है, गलत न्यूज, और अगले क्षण जैसे ही उसका सारा माल बिक जाता है, शेयर प्राइस गिर जाता है, तो जो बायर बाई किया वो तो फंस जाएगा। तो कभी भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना तो अपना रिसर्च करके लगाना, किसी और का सुन के नहीं। हमेशा देखना, तुम लोग कभी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है इस फील्ड में, यानी गो इनसाइड योर फ्रेंड्स विद कॉल एंड टेल, इसको खरीद ले तेरा किस्मत बदल जाएगा, इसको खरीद ले तेरा किस्मत बदल जाएगा। इसके लिए मैंने 5 साल पढ़ाई नहीं की है। अगर किसी का सुन के मेरे को शेयर बाई करना रहा, अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना रहा, तो मेरा पढ़ाई कोई काम का नहीं है। फिर खुद का रिसर्च करेंगे, खुद उसका सारा चीज समझेंगे, तब जाके मैं पैसा लगाऊंगा। हाँ, आपका रिसर्च किया हुआ है, नाउ इट इज बैक्ड बाय योर फ्रेंड्स ओपिनियन, वो कर सकते हैं आप। उसने भी बंदे अपने पर्सनल लेवल पे कुछ ना कुछ किया होगा रिसर्च, राइट? तो ओनर्स बहुत सेंसिटिव होता है यहाँ पे। उसको अगर प्रॉफिट्स नहीं दिखेगा, ही विल लुक फॉर डिस इन्वेस्टमेंट, और कुछ नहीं करेगा वो। यहां से पैसा निकालेगा, कहीं और लगाएगा। इतना ही नहीं, एम्प्लॉइज, इनको स्टेबिलिटी चाहिए, ग्रोथ मांगता है। तुम ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में काम करो जहां हर साल उसका नेट प्रॉफिट गिर रहा है, टिकोगे? रेजिग्नेशन देके आ जाओगे, राइट? ये तो मैंने कुछ बताए हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। पोटेंशियल इन्वेस्टर जो अभी तक पैसा लगाया नहीं, लगाएगा, राइट?
लेंडर्स, अपना पैसा से खाली धंधा नहीं होता है, कुछ बोरो भी करना पड़ता है। इन्वेस्टर लोग लगा दिया 200 करोड़ रुपया, राइट? 200 करोड़ रुपए इन्वेस्टर लोग लगा दिए, अभी आपको और फंड्स चाहिए, क्या करेंगे? बोरो करेंगे, बैंक देगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका इसमें स्किन इन्वॉल्व है। ऐसा प्रोजेक्ट 100% बोरोइंग पे आप नहीं कर सकते। जब तक आप अपना स्किन इन्वॉल्व नहीं करवाएंगे, आप होम लोन लेने जाइए ना, 20% आपको अपना देना पड़ेगा, 80% ही बैंक फाइनेंस करेगा, प्लस 100% प्रॉपर्टी मॉर्गेज में ले लेगा। लेकिन थिंक अबाउट अ न्यू बिजनेस, क्या है उसके पास गिरवी रखने के लिए? एक पर्सनल आदमी अपना पर्सनल एसेट को गिरवी रख के लोन ले सकता है, बिजनेस लोन ले सकता है, एक नया कंपनी क्या गिरवी रखेगा? नया कंपनी तो कोई गिरवी रख नहीं सकता। तो उस केस में टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू क्या है? 400 करोड़। आपने कितना लगाया? 200 करोड़। 200 करोड़ का लोन मिल जाएगा। टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू कितना है? 1000 करोड़। आपने कितना लगाया? 200 करोड़। नहीं देगा बैंक लोन 800 करोड़ का। जैसे इंडिया में स्टैंडर्ड डेट इक्विटी रेशियो 2:1 बोला जाता है, मतलब अगर आपने अपना 200 लगाया है तो बैंक आपको मैक्सिमम 400 करोड़ का लोन देगा, तब जाके 2:1 का रेशियो मेंटेन होगा। यूके में टोटल फंड्स का 40% ही डेप्ट हो सकता है मैक्सिमम। मतलब अगर आप 1000 करोड़ का धंधा कर रहे हैं तो 600 करोड़ आपको अपना लगाना होगा, 400 करोड़ या मैक्सिमम बैंक बोरोइंग कर सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? पर्सन टू पर्सन, इंडस्ट्री वाइज, कस्टमर क्रेडिट वाइज, कौन पैसा मांग रहा है, उसका कितना औकात है मार्केट में, ये भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। इफ अ पर्सन हु हैज डिफॉल्टेड ऑन हिज ईएमआईज, एक फुट्टी कौड़ी भी नहीं मिलने वाला उसको। इफ अ पर्सन हु हैज पेड ऑल हिज ईएमआईज, क्लियर हिज पास्ट ड्यूज, औकात से ज्यादा बैंक उसको दे देगा। तो लेंडर्स आर इंटरेस्टेड इन नोइंग दिस फिगर्स, फाइनेंशियल फिगर्स, कि वेदर ये कोवेनेंट जो है, जो मैं कोवेनेंट बोला कि टोटल फंड्स का 40% डेप्ट होना चाहिए, ये कोवेनेंट है, ये ब्रीच नहीं होना चाहिए। तो अकाउंटिंग फिगर से ही ना मिलेगा ये सब चीज, कि टोटल इक्विटी फंड कितना है, ओन फंड्स, टोटल एक्सटर्नल फंड कितना है, उसके हिसाब से अपने रेशियो निकालेंगे, अपन को मालूम चलेगा। फर्दर दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर द कंपनी हैज अर्न सफिशियंट प्रॉफिट टू पे ऑफ इंटरेस्ट और नॉट। द वन विच आई स्पोक राइट नाउ इज जस्ट अबाउट एसेट कवर, कि कंपनी के पास में सफिशियंट फंड्स होना चाहिए। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इनकम कवर, तो आप किस प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं, उसका प्रॉफिट का सस्टेनेबिलिटी क्या है, कंसिस्टेंसी लेवल क्या, ये सब चीज मैटर करेगा, राइट? तो इसको अपन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बोलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये सब आपका एआई से आएगा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से आएगा। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। सपोज बहुत तेज बारिश हो रही है, ठीक है, दो लोग हैं, एक बंदा है, इसके पास एक छाता है, राइट?
ये भी एक बंदा है, इसके पास एक छाता है, राइट, एंड इट इज रेनिंग हेवीली। बहुत तेज बारिश हो रही है, भीगने का चांसेस किसका ज्यादा है? इसको मैं अंकित बोलता हूं और इसको मैं विवेक बोल देता हूं। ये बंदा भीगेगा जाना, राइट। कहने का मतलब है दोनों का अम्ब्रेला साइज सेम है, मतलब प्रॉफिट्स, इसका 1 लाख प्रॉफिट, इधर भी 1 लाख प्रॉफिट, यहां इंटरेस्ट 20,000 है और इधर इंटरेस्ट 50,000 है, लेट अस अज्यूम। सो इंटरेस्ट कवरेज होता है प्रॉफिट बाय इंटरेस्ट, यहां पे 5 टाइम्स द कंपनी हैज अर्न 5 टाइम्स ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, मोर सेफ्टी। लेस सेफ्टी, तो जितना ज्यादा आप सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे लेंडर को, दे विल फील मोर प्रोटेक्टेड। इनका प्रोटेक्शन इज योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। इफ दे आर नॉट प्रोटेक्ट, बिकॉज इनको तो प्रॉफिट का हिस्सा मिलता नहीं, दे गेट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेंडर्स को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, इनको प्रॉफिट का कोई हिस्सा नहीं मिलता है। वही मान लो इंटरेस्ट अगर 1 लाख हो जाए, 1 लाख हो गया, कवरेज 1 टाइम, 1,20,000 हो गया। इसलिए जिम करना चाहिए सबको। सर मैं तो इसको आपको सेफ फील कराना है। देखो मैंने आपसे पैसे ले लिए, ठीक है, मैंने आपको बोला हमारे यहां पे ऐसे 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 होगा, अगर वो चीज ना हो तो क्या होगा, भरोसा टूटेगा ना। वैसे ही अगर लेंडर को मैंने उससे ब्याज में पैसा लिया, उसको मैंने बोला कि मेरा टोटल फंड्स का 40% से ज्यादा डेप नहीं होगा, कवरेज रेशियो मैं 4 मेंटेन करूंगा, कल को कवरेज रेशियो 2, 2.5, 1.5 मेंटेन करूंगा, तो क्या होगा, भरोसा उठेगा ना उनका। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको हैप्पी करके रखना है, अदरवाइज दे कैन टेक अ बिजनेस रिलेशनशिप टर्म, आई एम डन विथ यू, आई नीड टू लुक फॉर समवन एल्स। एकदम सिंपल सा फंड है, इसमें और कुछ नहीं है। अगर ओनर को ऐसा लगता है कि बिजनेस मेरे को प्रॉफिट नहीं दे रहा है, ओनर विल नॉट कंटिन्यू द बिजनेस रिलेशनशिप। लेंडर को सेफ्टी ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा, ही विल फोर्स फॉर लिक्विडेशन, ही विल फोर्स फॉर लिक्विडेशन, बोलेगा सारा एसेट बेचो, मेरा पैसा मेरे को वापस करो। कर सकता है, इसके पास राइट्स है। कई बार ऐसा होता है इंटरेस्ट कवरेज ऑफ 2, 2.5 विल ऑल्सो वर्क, प्रोवाइडेड यू हैव स्टेबल प्रॉफिट, कंसिस्टेंट प्रॉफिट। अगर आपका प्रॉफिट में बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन है, वोलेटिलिटी इज वेरी हाई, यही सब रिसर्च है, यही सब तुम लोगों को कमेंटिंग करना है, रिपोर्ट बनाना है। अगर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है प्रॉफिट्स में, कंसिस्टेंट अर्निंग्स नहीं है, देन यू नीड हाई इंटरेस्ट कवरेज। लेकिन अगर वोलेटिलिटी कम है, प्रॉफिट्स आर कंसिस्टेंट, लॉन्गर पीरियड तक है, देन स्मॉल रेशियो विल ऑल्सो डू योर पर्पस। समहाउ यू हैव टू मेक देम हैप्पी, राइट। सो
जो भी हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, वी आर रिकॉर्डिंग द बिजनेस एक्टिविटीज, इनफ्लो आउटफ्लो को रिकॉर्ड कर रहे हैं. ये रिकॉर्डिंग वाला पार्ट हमारे करिकुलम में नहीं है. दे वोंट आस्क यू की प्रिपेयर जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस. दे विल मेक द समरी ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस. दे विल मेक अस, मतलब ये लोग जर्नल खुद बनाएगा, लेजर भी बनाएगा, ट्रायल बैलेंस भी बनाएगा, ये अपन को देगा. इसके बाद का काम अपन को करना है. फॉरेन कोर्स का सबसे अच्छा फायदा क्या होता है मालूम है? फालतू का चीज तो नहीं सिखाता बार बार. ये अगर इंडिया का कोई कोर्स होता, व्हाट इज ट्रांजैक्शन, व्हाट इज इवेंट, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर लेजर्स, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, बिकॉज उनको मालूम है ये सारा काम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कर रहा है. ये जो काम है ना, दिस वर्क इज बीइंग डन बाय ए सॉफ्टवेयर. हमारे यहां पे इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड सॉफ्टवेयर इज टैलीप्राइम. काफी सारा कंपनी अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बना रखी है. मेनी वर्क इन सैप. राइट. तो काफी सारा चीज सॉफ्टवेयर कर देता, अपन को करना नहीं है. अपन को बताना है कि ये मेरा रेवेन्यू है, ये मेरा एक्सपेंडिचर है, दिस इज माय लायबिलिटी, दिस इज माय एसेट, दिस मच इनपुट आई हैव टू गिव, रेस्ट नथिंग एल्स. तो अपन को ये समरी बना के देगा, टोटल सैलरी एक्सपेंस इस साल इतना है, टोटल रेवेन्यू इतना है, टोटल रेंट इतना है, टोटल परचेस इतना है, टोटल सेल्स इतना है, दिस इज माय नेट कैश बैलेंस, दिस इज माय नेट बैंक बैलेंस, दिस मच एसेट आई हैव परचेस्ड, दिस इज द कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड. इस टाइप से फिगर्स दे विल गिव अस आफ्टर डूइंग दिस रिकॉर्डिंग पार्ट. सो बिजनेस का जितना भी एक्टिविटीज है, एक्सचेंज गुड्स सर्विसेज विच इज इन टर्म्स ऑफ मनी और इक्विवेलेंट मनी, दे विल मेक दिस समरी एंड गिव इट टू यू. And the results of these activities are profit, closing stock. Like जैसे profit अपन को निकालने का है, stock अपन को निकाल कर दे देगा. तो काफी सारा events निकाल कर दे देगा, काफी सारा events निकालने बोलेगा. Ultimately, we have to find out PL and balance sheet, net profit and financial position. After finding out this, you have to communicate to the stakeholders on the basis of accounting information. Stakeholders will decide whether they want to continue business relationship or not. ठीक है. हाँ. सो दिस वॉज द बेसिक आइडिया जो आप लोगों को चाहिए था. तो अपन को समझ में आ गया सर, द रिकॉर्डिंग पार्ट दे विल डू फॉर अस. वी हैव टू सिंपली प्रिपेयर दिस पीएल एंड दिस इज पीएल, राइट. इसको अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं. ये जो नेट प्रॉफिट निकालते हैं ना अपन, इससे एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है. उस स्टेटमेंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसको अपन बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एंड इसको अपन बोलते हैं बैलेंस शीट. ठीक है. वंस यू फाइंड आउट दिस, यू नीड टू कम्युनिकेट दिस इंफॉर्मेशन टू द यू. प्रिपेयर दिस. नाउ आफ्टर प्रिपेयरिंग दिस, यू माइट हैव टू कैलकुलेट सम रेशियो. जैसे
दीज आर एब्सोल्यूट फिगर्स, इतना कमाया, ये मेरा औकात है, इतना कमाया, कितना लगा के, सो यू गेट रिटर्न ऑन कैपिटल. इतना कमाया, इतना रुपया का माल बेच के, सो यू कम टू नो अबाउट योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस. इंश्योरेंस प्रोडक्ट, अब क्या करेंगे आगे जाके, प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे ना कि काइंड लोग से, हाउ हाउ डज एन इंश्योरेंस बिजनेस वर्क, ये भी हमारे करिकुलम में CB1 में, इंश्योरेंस बिजनेस कैसे काम करता है, बैंकिंग बिजनेस कैसे काम करता है, हाउ डज एन इंश्योरेंस बेसिकली वर्क. इट मेरे को जो आइडिया है, जितना मेरे को मालूम है, बेसिकली दे अंडरटेक रिस्क, दे बाय रिस्क and in return they promise to give the compensation. ऐसा ही होता है ना. तो अगर मैं तुम्हारा रिस्क अंडरटेक करूंगा तो बदले में मेरे को प्रीमियम मांगता है, उसी को तो इंश्योरेंस प्रीमियम बोलते हैं. एंड ये प्रीमियम ही आप लोग निकालेंगे जहां तक मेरा नॉलेज है. उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज यू विल मेक, किसी में कुछ बेनिफिट्स होंगे, किसी में कुछ बेनिफिट्स होंगे, राइट, किसी में आप लोग इस डिजीज को कवर करेंगे, किसी में इसको कवर करेंगे, राइट, दिस टाइप ऑफ पॉलिसीज यू विल फ्रेम. तो आप लोग क्या है अनुमान लगाएंगे, हम लोग 100 लोगों का रिस्क अंडरटेक कर रहे हैं, 100 लोगों से हम लोग प्रीमियम ले रहे हैं, उसमें से 5% प्रोबेबिलिटी है कि 5% को नुकसान होगा, मतलब 100 में से 5 लोगों का क्लेम आएगा, तो क्लेम में इतना रुपया आउटफ्लो होगा. तो इस तरीके से बेसिकली यू प्राइस द प्रीमियम. मेडिक्लेम इंडस्ट्री में भी क्या हो रहा है मालूम है, मेडिक्लेम इंडस्ट्री में पोस्ट कोविड हर साल प्रीमियम जनरली इतना बढ़ता नहीं था. मेडिक्लेम इंडस्ट्री में जो प्रीमियम होता है ना, कुछ कुछ पॉलिसीज में ऐसा जो ईयरली हाइक होती है प्रीमियम, कुछ कुछ पॉलिसीज में 5-5 साल के इंटरवल में बढ़ता है. रिसेंटली वन ऑफ माई क्लाइंट आस्क्ड मी, हम लोग इंश्योरेंस भी बेचते हैं, किसी को फ्यूचर में अगर लेना हो तो बताना, वी आर अ फाइनेंस कंपनी आल्सो. तो वन ऑफ माय क्लाइंट आस्क्ड मी कि मेरा प्रीमियम 10% क्यों बढ़ गया, आई डिड नॉट हैड एनी क्लेम, व्हाई माय प्रीमियम इंक्रीज बाय 10%. जनरल फंडा ये बोलता है कि लास्ट ईयर आपका क्लेम हुआ है तो इस साल आपको थोड़ा ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा. बिकॉज कोविड टाइम पे क्या हुआ, हॉस्पिटल्स, आप लोगों को मालूम है, उनका बिलिंग बहुत ज्यादा होने लगा एंड मैक्सिमम दे हैड मेडिक्लेम पॉलिसी, सारा क्लेम पास हुआ है, राइट, तो इंश्योरेंस कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हुआ. तो अभी का बेसिकली सिचुएशन ऐसा है, अगर कोई पॉलिसी 1000 आदमी ले रहा है, राइट, उसमें से अगर मान लो 50 लोगों का क्लेम आएगा, एक प्रोबेबिलिटीस्टिक मॉडल निकालते हैं, उसको इतना 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 क्लेम देना पड़ेगा, उसमें इंश्योरेंस कंपनी अपना सारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करेगी एंड अकॉर्डिंगली उसको डिवाइड बाई 1000 करके जो प्रीमियम आएगा वो सबसे लेंगे. इट इज लाइक दिस नाउडेज. तो डिस्पाइट यू डोंट हैव अ क्लेम, स्टिल यू आर द पर्सन हु विल पे द हाई प्रीमियम. सो बेसिकली अनलेस एंड अंटिल यू नो द कॉस्टिंग पार्ट, यू वोंट बी एबल टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस. तो तुमको कॉस्टिंग का भी नॉलेज होना चाहिए. इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्लेम इज अ कॉस्ट, सर्वेयर फीस इज अ कॉस्ट, देयर विल बी मेडिकल ऑफिसर्स हु विल जज योर क्लेम्स, उनका सैलरी भी कॉस्ट है तुम्हारे लिए. फुटपाथ पे उनको बैठाओगे नहीं, एक ऑफिस होगा, कंप्यूटर्स होंगे, प्रिंटर्स होंगे, राइट, ये सब चीज कॉस्ट में आएगा, डिवाइडेड बाई मैं कितने लोगों को ये पॉलिसी, कितने लोगों का मैं ये पॉलिसी कर रहा हूं, वॉल्यूम. सो अल्टीमेटली इतना प्रीमियम आएगा सबका, अज्यूमिंग कि इंश्योरेंस कंपनी नो प्रॉफिट मॉडल पे है. पहले क्या होता था, डिस्काउंटेड प्रीमियम्स चलता था, माल बेचो, 10,000 लोगों को पॉलिसी बेच दो, डिस्काउंटेड
इनफैक्ट जो एजेंट को कमीशन मिलता था ना, एजेंट भी अपना कमीशन क्लाइंट लोग को पास ऑन दे देता था जस्ट टू सेल द पॉलिसी. कंपनी तो जो दे रही है प्लस एजेंट भी अपना कमीशन दे देता था, सोचता था रिन्यूअल के वक्त कमा लेंगे. आइदर वे यू कोट द प्रीमियम, बाद में देखा जाएगा क्या क्लेम आ रहा है, तो उसमें यू माइट एंड अप मेकिंग लॉसेस, ह्यूज लॉसेस. कोविड के टाइम पे वही हुआ. सो नाउ द थिंग्स आर लाइक दिस, व्हाटएवर क्लेम्स वी हैव पास्ड लास्ट ईयर, ऑल आवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी हमारा होने वाला है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉलिसीज. तो अल्टीमेटली प्रीमियम सभी का बढ़ गया. जिसका क्लेम आया उसका तो बढ़ना ही था वैसे भी, और जिन लोगों का क्लेम नहीं आया उनका भी बढ़ गया. सो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉस्टिंग, नथिंग एल्स, राइट. सो खाली पीएल और बैलेंस शीट दे देने से नहीं होगा, देयर आर लॉट ऑफ रेशियोज यू हैव टू कैलकुलेट, रिलेटिव फिगर्स कि दिस मच प्रॉफिट आई हैव अर्नड बाय इन्वेस्टिंग दिस मच. सो यू कम टू नो द रिटर्न ऑन कैपिटल, दिस मच प्रॉफिट आई हैव अर्नड बाय मेकिंग सेल ऑफ दिस मच. सो यू कम टू नो योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जैसे मैंने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाला लेंडर्स के लिए, वैसे क्रेडिटर्स होते हैं जो गुड सप्लाई करते हैं उनके लिए करेंट रेशियो लिक्विडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो ये सब चीज आपको सीखना पड़ेगा. तो अपार्ट फ्रॉम पीएल एंड बैलेंस शीट, रेशियोज आर ऑल्सो कम्युनिकेटेड टू द स्टेक होल्डर्स, और दे कैन सी. हर कंपनी को अपना पीएल बैलेंस शीट स्टेक होल्डर्स को देना पड़ता है, उसको एनुअल अकाउंट्स बोलते हैं, हम लोग आएंगे उस पर, राइट. वो एनुअल अकाउंट आप सबमिट करेंगे, उसमें वो कुछ कुछ रेशियो निकाला हुआ रहता है. जो नहीं निकाला हुआ, अगर मेरे पास साउंड नॉलेज है तो मैं उसको पढ़ के भी मैं अपना खुद का रेशियो निकाल के अपना एनालिसिस कर सकता हूँ, क्लियर. नाउ मुद्दा वो नहीं है, अकाउंटिंग करना है, रिकॉर्डिंग वो लोग करके देगा, अपन को सीधा प्रिपेयर करना है, कम्युनिकेट करना है, रेशियोस निकालना है. ठीक है, ये क्या एक बाउंड्री है, अकाउंटिंग इसके बीच में है. अकाउंटिंग जो भी है ना एक फ्रेमवर्क के अंदर में काम करता है, इसके बियॉन्ड अकाउंटिंग नहीं है. अकाउंटिंग ऑलवेज वर्क्स विद इन अ फ्रेमवर्क, यू हैव टू अंडरस्टैंड. जैसे अगर मैं साइंस पढ़ रहा हूं वहां पे काफी सारे अजम्पशंस किया जाता है, प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होता है, थॉट्स होता है, आइडियाज होता है, राइट. अकाउंटिंग भी वैसा ही है, देयर आर सर्टेन रूल्स प्रिंसिपल्स विच आर प्रिस्क्राइब्ड, एंड ये आपके करिकुलम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. भर के इससे एमसीक्यू आएगा, एक टेस्ट करता है ना वो लोग नॉलेज, यहीं पे टेस्ट करेगा, राइट. So accounting always works within a framework, एक दायरा है. अगर आप ये दायरा समझ जाएंगे ना, आपको accounting 40% जो आपका syllabus का है उसको आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी. So there are assumptions, there are concepts, ideas, thoughts. Principles, right? जिसके बेसिस पे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं. इसीलिए अकाउंटिंग को साइंस भी बोला जाता है, अकाउंटिंग को लैंग्वेज भी बोला जाता है. क्यों लैंग्वेज भी बोला जाता है मालूम है? बिकॉज इट्स अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन. सी, यू आर कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू द स्टेक होल्डर्स ना, सो इसीलिए अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन. अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज साइंस बिकॉज देर आर लॉट ऑफ अजम्पशंस, कॉन्सेप्ट्स, रूल्स, प्रिंसिपल्स विच वी फॉलो.
मैंने अभी बोला अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का होता है, कौन बोला? कौन बोला? भगवान श्री कृष्ण ने बोल दिया क्या? नहीं, अजम्पशन है ये। हाँ अजम्पशन है ये। तुम चाहो तो तुम 24 महीने का भी बना सकती हो अकाउंटिंग पीरियड, कोई नहीं रोकेगा, नो वन विल स्टॉप यू। हर ऑर्गेनाइजेशन का मेन एसेट कौन होता है? एक्चुएटर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का मेन एसेट क्या है? भैया हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा? कुछ होगा। ह्यूमंस, ह्यूमन रिसोर्स, एचआर। क्या ऐसा कोई पैरामीटर है जो मेरा वैल्यू निकाल सके? इस बंदे का वैल्यू 5 करोड़ है, हो सकता है क्या ऐसा? ऐसा नहीं हो सकता, कोई पैरामीटर ही नहीं है। जो स्किल मेरे पास में है विथ रेस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पैन इंडिया कहीं नहीं मिलेगा। कैन यू मेजर दिस? नहीं मेजर कर सकते। हमारे यहां पे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, 6 महीना हो गया मैंने कैश काउंट भी नहीं किया है, ना मिलाया है। इसका मतलब आई ट्रस्ट माय बंदा, तो उसका ऑनेस्टी का कोई वैल्यू है? उसका इंटीग्रिटी का कोई पैरामीटर है मेजरमेंट का? नहीं। जिस चीज को आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सक रहे हैं उसी को आप रिकॉर्ड कर रहे थे, ये अजम्पशन ही तो हो गया, और क्या हुआ? दिस इज नथिंग, दिस इज व्हाट, दिस इज अजम्पशन। सो अकाउंटिंग करते वक्त देयर आर लॉट ऑफ अजम्पशंस, रूल्स, प्रिंसिपल्स व्हिच वी आर फॉलोइंग, राइट? ये रूल्स प्रिंसिपल्स आपको समझना है एक के बाद एक, और कुछ नहीं करना है आपको। जैसे काफी सारा मैंने बता दिया, प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? अकाउंटिंग पीरियड शुड बी ऑफ 12 months, ये अजम्पशन है, ठीक है? तुम ये अजम्पशन फॉलो करने लगी, तुम भी करने लगी, तुम लोग सब ये अजम्पशन फॉलो करने लगा। नाउ इट्स टाइम टू स्टैंडर्डाइज द रूल। अरे भैया अजम्पशन तो कोई कुछ भी ले सकता है, तुम 6 महीना भी ले सकती हो, तुम 24 महीना भी ले सकती हो। तो हुआ क्या, लोग अपना अपना अजम्पशन रूल्स प्रिंसिपल्स फॉलो करके अकाउंटिंग बनाने लगे, नेट प्रॉफिट निकालने लगे। ना मेरा अकाउंटिंग पीरियड 6 महीने का, तुम्हारा अकाउंटिंग पीरियड 9 महीने का है। कैन वी कंपेयर आवर इंफॉर्मेशन? ऑब्वियसली इट बिकम्स इनकम्पेरेबल ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट। कोई लोग सपोज एक पर्टिकुलर आइटम का ट्रीटमेंट कोई कुछ करने लगा, कोई कुछ करने लगा, कैन वी कंपेयर दीज टू फॉर्म्स? नो। सो हियर कम्स द इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हियर कम्स द इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। Standardized rules and principles in order to bring harmonization, हर country का जो government governing body है ना, the government of India, they framed some accounting standards, some accounting rules, जिसके basis पे आपको accounting बनाना है। I'll come to this accounting standards. First, let us study all the assumptions and concepts. ये तो कोई तो कुछ भी करेगा, बोलो ना। तुम अपना प्रिंसिपल बना लेगा, तुम अपना बना,
हाउ इज इट पॉसिबल? इसका ना प्रॉब्लम बहुत बड़ा, हमको पहले स्कूल में जब मैं पढ़ता था, हमारी मम्मी हमारा मार्कशीट को देखती थी, 40 के नीचे आया फेल, तो उस समय हम लोगों को काफी सारा चीज से मार खाना पड़ता था, राइट? कपड़ा धोते ना बैड टाइप का होता है, उसको मोगरी बोलते हैं, उससे हमने खाया है, राइट? झाड़ू तो फेमस है, 40 के ऊपर आया चलो ठीक है, डिपेंड करता था एग्रेशन लेवल पे, उस दिन उनका मूड कैसा है। समस्या कब बढ़ गई मालूम है? जब मम्मी को यह मालूम चला कि शर्मा जी का लड़का भी स्कूल में पढ़ता है। समस्या तब ज्यादा बढ़ गई। पहले मम्मी खाली देखती थी 40 के नीचे या ऊपर, अब नंबर को शर्मा जी का लड़का, और उस समय मार्कशीट में देखना क्लास का हाईएस्ट मार्क्स भी लिखा जाता था, कंपैरिजन होता था कि क्लास में हाईएस्ट इतना है तुमको इतना आया, तो उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट होता था। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम क्या है? हर कंट्री अपना अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया, हार्मोनाइज कर दिया रूल्स को, प्रेस्क्राइब कर दिया कि आपको ये फॉलो करके बनाना है, प्रॉब्लम उसमें नहीं है। अब दे आर इनटू ग्लोबल अकाउंटिंग बॉडी, बोलता है इंडिया हो यूके हो यूएस हो, सब कोई एक सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेगा, हमारी समस्या और बढ़ गई। पहले हमारा परफॉर्मेंस हमसे कंपेयर किया जाता था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया, चीजें कंपेरेबल हो गई, हमारा परफॉर्मेंस शर्मा जी का लड़का से किया गया, अब हमारा परफॉर्मेंस हार्वर्ड में पढ़ने वाला बच्चा के साथ किया जाए, ग्लोबल अकाउंटिंग बॉडी आ गया। अभी जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है, इसे क्या होगा? हम जो पढ़ रहे तुम भी वही पढ़ रहे हो, तो नाउ आवर परफॉर्मेंस विल नॉट ओनली बी कंपेयर्ड विद आवर क्लासमेट्स, नाउ आवर पेरेंट्स विल गो इंटर स्टेट, दे माइट ऑफन गो इंटर कंट्री ऑल्सो, इंटर कॉन्टिनेंट। ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यही है इंपॉर्टेंस। मैं यहां बैठ के यूएस का किसी कंपनी से अपना परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकता हूं, वो ऑब्वियस सा बात है कि वो उनका डॉलर में होगा, मेरा INR में है, तो मेरे को एक्सचेंज रेट को कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट्स डिफरेंट, बट बेसिकली आई कैन कंपेयर। पहले तो लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो ही नहीं करते थे, सब अपना अपना 40 के ऊपर 40 के नीचे वाला हिसाब था, फिर जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया क्लास हाईएस्ट के साथ कंपेयर होने लगा। अब ग्लोबल नीड आ गया है अकाउंटिंग में, राइट? मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किस कंट्री में काम कर रहे हैं तो आपको कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है, ये मालूम होना चाहिए, नहीं तो आप अकाउंटिंग ही नहीं कर पाएंगे। आप इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ के चलेगा यूके और वहां बोल रहे हैं हमको पटवारी जी ये सिखाए हैं, हमको तो ये आता है, नहीं एक्सेप्टेबल है। यूएस का अपना अलग ही अलग तंटा है, यूएस वाला लोग अपना अलग ही अकाउंटिंग बॉडी फॉलो करता है, दे फॉलो यूएस गैप। पूरा विश्व में चल रहा है IFRS, इंडिया में अपना अलग है, इंडिया में तीन तीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। You have a few discussion on this, right? Accounting standard is one. Basically, we want things comparable. So, इनको standard जो accounting standards बनाने के लिए हर government ने एक body बनाया है। उस body को पूरा power दिया गया है। तुम चाहो तो तुम नया बना सकते हो, पुराना वाला को edit कर सकते हो, remove कर सकते हो। So भी accounting related सारा जिम्मेदारी तुम्हारा, accounting profession related जो भी developments होंगे तुम्हें करना है।
तो सबसे पहले हम लोग असम्पशंस पढ़ते हैं। प्री ऑडिट इसी नहीं बोलता है अकाउंटिंग पेड शुड बी ऑफ 12 मंथ, ये हमारा असम्पशन। ना इस असम्पशन को काफी सारा लॉ में डाल दिया गया। व्हाट इज लॉ? कानून। जैसे ये तो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया, ये भी एक टाइप का रूल है, कानून है विथ रेस्पेक्ट टू अकाउंटिंग। अगर आप कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप है तो आप पे कोई कानून लागू नहीं होता। क्यों? कर्ता धर्ता आप ही है, रिवॉर्ड भी आपका, रिस्क भी आपका। कोई चोरी, आप किसी के साथ कोई स्कैम करते हैं, आपको पकड़ेगी सरकार, क्योंकि पैसा किसने लगाया? आपने। चला कौन रहा था? आप। पार्टनरशिप में भी ऐसा ही होगा। मैं चैप्टर 2 पूरा पढ़ा दे रहा हूं अभी। हमारा डिस्कशन थोड़ा हाइब्रिड फॉर्म में होता है, राइट? मैं जो भी बोल रहा हूं कतरा कतरा आपको आपकी किताब में मिलेगा, राइट? पार्टनरशिप में क्या होता है, वर्किंग नॉन वर्किंग का थोड़ा कॉन्सेप्ट है। इफ आई वॉन्ट आई कैन ओनली बी द इन्वेस्टिंग पार्टनर, आई डोंट वॉन्ट टू बी द वर्किंग पार्टनर। तो कुछ भी अगर खराब होता है तो वर्किंग पार्टनर विल बी द रेस्पॉन्सिबल पर्सन। लेकिन कंपनी में कैन यू मेक शेयर होल्डर्स लायबल फॉर एनी क्राइम विच द कंपनी हैज डन? नो, इट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर रनिंग द शो। तो कंपनी में कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो ओनर्स आर सेफ, अनलेस दे आर ऑल्सो फाइंड गिल्टी। तो जहां पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या, पैसा कोई और लगा ना, चला कोई और रहा है, तो वहां पे कंपनी लॉ भी होना चाहिए। कंपनी लॉ विल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स। इट विल एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ लेंडर्स, इट विल एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडिटर्स। कंपनी कुछ भी चाहे अपना मन से नहीं कर सकता। प्रोप्राइटर, हमारी मदर आती है, कैश बॉक्स खोलती है, 20,000 रुपए निकालते लेके चली जाती है, रात में घर आ जाते हैं तो बोलते तुम्हारा ट्रांसफर 20,000 रुपए निकालने। ये सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया। नीता अंबानी रिलायंस का कोई भी शॉप में जाके बोले कि हमको 20,000 रुपया दो, मेरे खाते में लिख देना, कभी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं। सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई कानून नहीं हो रहा, बिकॉज सारा चीज में ही है, रिस्क भी मेरा, रिकॉर्ड भी मेरा। कंपनी में पैसा कोई और लगाया, चला कोई और रहा है, तो एक गवर्नमेंट ने कानून बनाया, कंपनी लॉ। मैं सामान खरीदा, मैं बेचने लग जाएगा, मेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा, सोल प्रोप्राइटर है। लेकिन कंपनी ऐसे नहीं बनता है, पहले उसको कंपनी, जो कंपनी लॉ, जो कानून है उसके तहत उसको पहले जन्म करना पड़ेगा, उसका इनकॉर्पोरेशन करना पड़ेगा, तब जाके वो एग्जिस्टेंस में आता है, उसको एक बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद ही वो सारा ऑपरेशन, उसको एक अलग सेपरेट एंटिटी का दर्जा दिया जाएगा। तो काफी सारा लॉ में यह मेंशन कर दिया गया कि अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का होगा, तो कंपनी लॉ में भी मेंशनड है अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का। सो ये जो रूल्स जो मैं बता रहा हूं ना, अब ये कहीं ना कहीं स्टैंडर्डाइज हो गया है। कुछ कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हो गए, कुछ कुछ कंपनी लॉ में लिख दिया गया है। जैसे मान लो आपका आपका शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो आपको स्टॉक एक्सचेंज का भी लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, सिक्योरिटीज लॉ को भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप मान लो कोई फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो आपको फॉरेन एक्सचेंज एक्ट को भी फॉलो करना पड़ेगा। कहने का मतलब बिल्कुल साफ है, आप जब अकाउंटिंग करने जाएंगे ना, आप सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि कौन कौन सा कानून हमको फॉलो करना है, उस कंट्री का प्रीवेलिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगर कंपनी फॉर्म ऑफ एंटिटी है तो उस कंट्री का कंपनी लॉ, अगर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज का लॉ, सिक्योरिटीज लॉ। अगर मैं कोई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन कर रहा हूं
उससे रिलेटेड रेस्पेक्टिव लॉ. तो दीज आर द बंडल्स ऑफ रूल्स विच आई हैव टू फॉलो एंड अकॉर्डिंगली आई विल मेक अकाउंटिंग, अकॉर्डिंगली आई विल जनरेट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है हमारा. अगर मैं इंडियन कंपनी का अकाउंटिंग कर रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब किया है, मैं उसको फॉलो करूंगा. कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करूंगा. मेरा स्टॉक्स एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है. सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया उसको फॉलो करूंगा मैं, राइट. अगर मैं फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस करो तो फेमा बोल के एक लॉ है उसको फॉलो करूंगा. अगर मैं इंश्योरेंस बिजनेस में हूं तो इंश्योरेंस एक्ट फॉलो करना पड़ेगा मेरे को, और IRDA का नॉर्म्स भी फॉलो करना पड़ेगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. अगर मैं बैंकिंग बिजनेस में हूं तो मेरे को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ेगा. तो मेरे को मालूम है मेरे को क्या क्या फॉलो करने का है. हालांकि आप लोगों का उतना ज्यादा डिटेल डिस्कशन में नहीं है, बट जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में काम करने जाएंगे ना, तब आप ये नहीं बोल सकते ये तो मेरा करिकुलम में नहीं था, हमको मालूम नहीं है. जब बॉस अपना केबिन में बैठा रहेगा ना, देखना हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी आपको कोई बुलाता है ना कहीं पर भी, जैसे आप आपका एक ऑफिस में अलग से एक केबिन होगा, एक वर्क स्टेशन होगा आपका, तो आपको बोलेगा सर आपको बुला रहे हैं, राइट. तो आप अपना जगह छोड़ के आप उसके जगह में आ रहे हैं, तो एक दबाव रहता है, एक प्रेशर तो रहेगा ही, ठीक है. तो उसको आप ये सब नहीं बोल पाएंगे कि हमको नहीं आता है. तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, आप कोई भी चीज कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं. अगर आपके दिमाग में वो सेट हो गया ना, हालांकि पूरा हार्ड कोड नहीं याद करना आपको, कंपनी लॉ में 300 प्रोविजंस हैं, 300 टाइप का कानून है, कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होता है ये आपको नहीं सीखना है. इसके लिए अलग से एक बंदा है ऑफिस में जो ये काम करके देगा. अच्छा, कंपनी ने ये क्राइम किया है तो उसके लिए कंपनी कैसे डायरेक्टर को लोन दे सकती है कि नहीं, डायरेक्टर से लोन ले सकती है कि नहीं, ये सब आपको मुद्दा नहीं है. शेयर इश्यू करना है तो क्या क्या नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे, लोन लिया है तो क्या क्या नॉर्म्स फॉलो करने, ये सब आपका मुद्दा नहीं है. कंपनी ने तो हर एक चीज के बारे में बोला, बट मोटा मोटी मालूम होना चाहिए ना आपको कि भैया हाँ कंपनी लॉ का कानून है, कंपनी लॉ में लिखा है 12 महीने का होता है अकाउंटिंग पीरियड, कंपनी लॉ में लिखा है क्रेडिटर लेंडर्स को प्रोटेक्शन देना है. तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए. स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड कोई भी मैटर है तो रेस्पेक्टिव सिक्योरिटीज लॉ को फॉलो करना है, एटलीस्ट आपको मालूम होना चाहिए. कहीं पे भी आप अटकेंगे तो उस लॉ को रेफरेंस के तौर पे यूज करके यू कैन जस्ट फाइंड आउट योर शॉर्टकमिंग्स, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो प्रायोरिटी बोलता है कि अकाउंटिंग पीरियड कितने महीने का है, 12 महीने का. दूसरा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, एनीथिंग विच इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी या इक्विवेलेंट मनी, राइट. एक्टिविटीज activities measurable in terms of money or money's worth. HR not recorded. खाली हम लोग जो सैलरी देते हैं वही उसको खर्चा बोल के दिखाते हैं.
ह्यूमन रिसोर्स का वैल्यूएशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज देर इज नो सच पैरामीटर डेवलप्ड एज ऑफ नाउ, अभी तक कोई पैरामीटर ऐसा डेवलप हुआ नहीं है. ठीक है, ऑनेस्टी इंटेग्रिटी स्किल टैलेंट विच एम्प्लॉय पोजेसेस, ये सभी रिकॉर्ड नहीं होता. ब्रांड नेम, हालांकि इन रिसेंट टाइम्स देर आर सम वैल्यूएशन नॉर्म्स फॉर इट, बट ब्रांड नेम भी वैल्यू करना थोड़ा डिफिकल्ट है. इसका ब्रांड वैल्यू क्या है, राइट? गुडविल, कॉम्प्लेक्स वैल्यूएशन मेथड्स. गुडविल का होता है, लेकिन हम लोग देर आर सम पैरामीटर्स विच आर डेवलप्ड गुडविल कैलकुलेशन में, बट उतना ज्यादा नहीं है. जैसे अपन क्या बोलते हैं कि मान लो गुडविल होता क्या है बेसिकली, व्हाट इज गुडविल? गुडविल इज बेसिकली फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नाउ हाउ फार यू कैन प्रेडिक्ट? 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स मैक्स, उससे ज्यादा तुम प्रेडिक्ट कर सकती हो क्या? कैन यू प्रेडिक्ट? नो. तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एंट्रेंसेस हैं. सपोज करो इसका दाम है 200 रुपया, बट मैंने खरीदा 250 में. लेट अस टेक एन एग्जांपल. सपोज देयर इज अ लैंड, ठीक है, वेकेंट लैंड, 20 लाख मांग रहा है. एक और जमीन है, 1 एग्रीकल्चर हो चुका है, राइट? ना आप मेरे को बताइए, ये लैंड विथ क्रॉप्स, इसकी वैल्यू क्या होगी? 25 लाख. व्हाट इज दिस क्रॉप्स? प्रॉफिट्स, फ्यूचर प्रॉफिट. जो भी ये जमीन खरीदेगा प्रॉफिट उसका होगा. सो व्हाट इज गुडविल? 5 लाख. सो गुडविल इज बेसिकली फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द अमाउंट पेड इन एक्सेस ऑफ द एसेट प्राइस. एसेट का दाम 20 लाख ही है, बट आपने 25 लाख दिया. क्यों? 5 लाख क्रॉप के लिए दिया. क्योंकि आप जब मेरा बिजनेस खरीद रहे हैं, इसमें मेहनत आपने नहीं किया, आपका खून पसीने से सींचा हुआ है, आपने हल चलाया है. हाँ, लेकिन किसने किया? मैंने किया, खून पसीना से मैंने सींचा है इसको. तो ये तो आप आराम से कमाएंगे? नहीं, पैसा भरिए आप इसका. तो जब भी कोई भी आदमी अपना स्टेक किसी को बेचता है, उसका दाम तो लेगा ही वो, प्लस फ्यूचर प्रॉफिट का भी कॉम्पेंसेशन मांगेगा. अगर मैंने कोई लॉस मेकिंग यूनिट खरीदा है, उसका गुडविल 0 होगा, फ्यूचर प्रॉफिट है ही नहीं. लेकिन कभी भी आप प्रॉफिट ओरिएंटेड चीज खरीदेंगे ना, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, तो अगर उस बिजनेस में एसेट 200 करोड़ का है, तो आप उसको खरीदने जाएंगे तो आपको 300 करोड़ देना पड़ेगा, 400 करोड़ देना पड़ेगा,
एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, दैट एक्स्ट्रा इज नथिंग बट यू हैव पेड कॉम्पेंसेशन फॉर द फ्यूचर प्रॉफिट विच यू विल अर्न विद ईज विदाउट वर्किंग हार्ड. मैं एक धंधा खरीदा हूं, उसका ऑलरेडी एक कस्टमर बेस है, मेरे को कोई मेहनत नहीं करना, खाली दुकान खोल के बैठना है, कस्टमर अपने आप आएगा, पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, लोग वहां काम कर रहे हैं, उनके लिए बस खाली मैं नया मालिक हूं, नथिंग एल्स. पहले भी उनको उतना ही सैलरी मिलता था, आज भी उतना ही सैलरी मिलता. तो अगर आप कोई भी बिजनेस खरीदते हैं, यू नीड यू आर पेइंग मोर प्राइस. दैट मोर प्राइस विच यू आर पेइंग इज नथिंग बट यू आर पेइंग फॉर प्रॉफिट्स विच यू विल अर्न इन फ्यूचर फॉर विच यू डोंट हैव एनी हार्ड वर्क डन. आपने उसके लिए कोई हार्ड वर्क पुट ऑन नहीं किया है. हाँ, आपके खरीदने के बाद धंधा मल्टीप्लाई किया, वो आपका कमाई है, वो आपका मेहनत है, राइट. सो काफी सारे केसेस में आप देखेंगे कि दीज थिंग्स आर नॉट मेजरेबल, तो ये इसका ड्रॉबैक है, वी कांट हेल्प इट, राइट. सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ओनर एंड बिजनेस आर रिगार्डेड एज two distinct legal entities. ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं. For the purpose of accounting, legally, अगर मैं सोल प्रोप्राइटर की बात करूं, as far as accounting is concerned, they are separate. But legally, they are same. It means, if something wrong happens, the proprietor will be catched for it. For any taxes due, the proprietor will be catched for it. Because legally, they are same. But accounting karne ke liye dono ko alag alag maanenge. कंपनी अकाउंटिंग के लिए दे आर सेपरेट, लीगली ऑल्सो दे आर सेपरेट. इट मीन्स कंपनी का टैक्स कौन भरता है? कंपनी खुद. फॉर एनी क्राइम इन्वॉल्व हु विल बी लायबल? कंपनी, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अनलेस द शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो फाउंड गिल्टी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. विथ रेस्पेक्ट टू इनकम टैक्स, क्या विथ रेस्पेक्ट टू इनकम टैक्स देयर कंपनीज सेपरेट. कंपनी का इनकम टैक्स कंपनी खुद भरता है, तो क्या मैं बोल सकता हूं इनकम टैक्स इन केस ऑफ कंपनीज एन एक्सपेंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन? है ना, इनकम टैक्स इन केस ऑफ कंपनीज कानून के नजर में कंपनी को ही सेपरेट लीगल एंटिटी बोला जाता है. किसको? सो प्रोप्राइटर इज नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी, इट्स अ सेपरेट एंटिटी फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग. बट अगर तुमको कोई पूछेगा व्हाट इज सेपरेट लीगल एंटिटी, तो तुम क्या बोलोगे?
जो भी अकाउंटिंग हम लोग करते हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, कंपनी की ओनर, समझ गए मेरा बात। तो ओनर का कोई भी पर्सनल ट्रांजैक्शन कंपनी में आएगा, ओनर का कोई भी ट्रांजैक्शन सोल प्रोप्राइटरशिप में आएगा नहीं, सेपरेट है ना, अकाउंटिंग करने के लिए सेपरेट है। देखो अकाउंटिंग बिजनेस का ही होता है, अकाउंटिंग बिजनेस का कंपनी तो एक्चुअली लीगली सेपरेट है, अपार्ट डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। प्रोप्राइटरशिप अलग अलग नहीं है ओनर से, लेकिन अकाउंटिंग करने के लिए तो अलग अलग ही है। टैक्स प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपेंस है, बट अकाउंटिंग तो दोनों का अलग अलग होगा। तो अकाउंटिंग किसका करते हैं अपने, प्रोप्राइटर का, ओनर का कि बिजनेस का? तो जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, गॉट माय पॉइंट? सो टेल मी, ऑल टाइप ऑफ एंटिटीज फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, समझ गया मेरा बात, प्रोप्राइटर और उसका बिजनेस दोनों सेपरेट है, ओनर एंड बिजनेस इन केस ऑफ कंपनी सेपरेट है। क्लियर? तो मेरे को बताना, अगर मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं, इफ आई एम डूइंग अकाउंटिंग, और ये बिजनेस है, ठीक है, पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ सोल प्रोप्राइटर, बिजनेस आएगा क्या? नहीं आएगा। पर्सनल एक्सपेंस ऑफ सोल प्रोप्राइटर आएगा? इनकम टैक्स पेड बाय सोल प्रोप्राइटर आएगा? समझ गया ना, पर्सनल खर्च आएंगे। पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ शेयर होल्डर कंपनी में, शेयर होल्डर कंपनी में होता है, ठीक आएगा? पर्सनल एक्सपेंस ऑफ शेयर होल्डर आएगा? इनकम टैक्स पेड बाय कंपनी आएगा? बिजनेस रिलेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एसेट लाइबिलिटीज पर्सनल कुछ भी नहीं आया, और शेयर होल्डर कंपनी, कंपनी अगर इनकम टैक्स देगा तो वो शेयर होल्डर का पर्सनल खर्चा नहीं हो, कंपनी का खर्चा आएगा। फंड डिप्लीट हो जाएगा, ओनर का एसेट जाएगा, ओनर तो ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर दिया ना, देयर मार्केट प्राइस विल फॉल डाउन। लीगली विच टाइप ऑफ एंटिटी सेपरेट? क्या लीगली सोल प्रोप्राइटर सेपरेट होता है? सोल प्रोप्राइटर को सेपरेट कौन से केस में माना जाएगा? अकाउंटिंग कंपनी का करो, पार्टनरशिप का करो, सोल प्रोप्राइटर का करो,
किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस का इनफ्लो, बिजनेस का आउटफ्लो, बिजनेस का एक्सपेंस, बिजनेस का एक्सपेंडिचर। पर्सनल कोई भी चीज बिजनेस में, इनकम टैक्स ऑन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, ये बिजनेस एक्सपेंस है कि पर्सनल एक्सपेंस है? पर्सनल एक्सपेंस। प्रोप्राइटर का लाइबिलिटी होता है, राइट? लाइबिलिटी ऑफ ओनर। सोल प्रोप्राइटर हो, कंपनी हो, ओनर का कोई भी पर्सनल खर्चा बिजनेस में नहीं है। क्लियर? प्रोप्राइटरशिप का टैक्स भी बिजनेस में, क्योंकि वो पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द प्रोप्राइटर, क्योंकि लीगली दे आर नॉट सेपरेट। लेकिन कंपनी का इनकम टैक्स बिजनेस में आएगा, क्योंकि वो सेपरेट होता है लीगली। इज इट फाइन? पूरा अकाउंटिंग इसी पे टिका हुआ है। एवरी ट्रांजैक्शन हैज two aspects, one receiving aspect, so that is resource, another giving aspect, that is source. ठीक है, एक सिक्के की तरह हेड एंड टेल। हर ट्रांजैक्शन का दो पहलू होते हैं, गिव एंड टेक। मैंने आपसे गुड्स खरीदा, बदले में कुछ दिया ना? क्या दिया? पैसे। गॉड प्रॉमिस, मैंने बताया ना, गॉड प्रॉमिस भी ट्रांजैक्शन होता है। लिखित दे दिया, लिखित प्रॉमिसरी नोट। बदले में कुछ और दे दिया, बटन स्कीम। रिसीविंग, गिविंग। रिसीविंग क्या? रिसोर्स। डिक्शनरी होगा सबके पास। रिसोर्स को अकाउंटिंग लैंग्वेज में एसेट बोला जाता है। सोर्स मतलब गिविंग एस्पेक्ट। बिजनेस में कोई भी रिसोर्स आता है, उसका मेजर सोर्स कौन है? सोर्स बोला मैंने, कैपिटल, ओनर। धंधा में जो पैसा आ रहा है किधर से आ रहा है? पॉकेट मारा है किसी का? हार्ड अर्न्ड माय मनी, विच इज नोन एज कैपिटल, शेयर कैपिटल। सर बहुत बड़ा बिजनेस करने का है, बाहर वाले से भी लेना पड़ेगा, ऑब्लिगेशन है। उस ऑब्लिगेशन को अपन बोलते हैं ये लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर, ये आउटसाइडर। सर मेरा ही तो बिजनेस है, मैं अपने बिजनेस के लिए लाइबिलिटी कैसे हुआ? अभी बताया मैंने, सेपरेट एंटिटी।
अजम्पशन है ना, ये सारा अजम्पशन पढ़ा रहा हूं मैं, जो पैसे में तोल सको उसी को रिकॉर्ड करेंगे। तराजू होता है ना, इधर सामान डाल दे, इधर बटकरा डालेंगे, वेट हो जाएगा, इसे झूल जाएगा। यू नीड टू कीप सम वेट, 1 किलो 2 किलो उस हिसाब से वेइंग होगा। तो यहाँ पैसा रखने का है, कूड़ादान समझते हो, वैसे इधर पैसा रखने का है, इधर में जो मिला वो उसको रखने का है, राइट। सो अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का अजम्पशन है, मॉनेटरी टर्म्स से मेजरेबल होना चाहिए, ये भी अजम्पशन है। सेपरेट एंटिटी बोला, ओनर और बिजनेस अलग अलग है, जो भी सोचने का है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का है, बिजनेस का खर्चा, बिजनेस का इनकम, बिजनेस का एसेट, बिजनेस का लग। तो बिजनेस के लिए ओनर सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है ना, बिजनेस के लिए ओनर अलग अलग है, सेपरेट है। तो ओनर जो दे रहा है बिजनेस का क्या हो गया? ऑब्लिगेशन, लाइबिलिटी, और बाहर वाले के प्रति लाइबिलिटी। तो हमेशा ये याद रखना, वॉट एवर इज योर ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन क्यों ना हो, दिस अकाउंटिंग इक्वेशन, इसको अपन अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं, भर के इससे क्वेश्चन आएगा, इसको अपन बोलेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। पूरा अकाउंटिंग इसी पे टिका हुआ है, इसको अपन डबल एंट्री बुक कीपिंग भी बोलते हैं। बचपन में जब प्योर अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में जाओगे ना, डबल एंट्री बुक कीपिंग, पूरा अकाउंटिंग इसी पे बेस है। सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेड देखे हो? रेड अजय देवगन का मूवी था, राइट। जब भी इनकम टैक्स का रेड होता है या किसी भी टैक्सिंग बॉडी जब रेड मारती है ना, खुद खुद के सब चीज निकालेंगे वो लोग, राइट। खुद खुद के वो लोग हर चीज निकालेगा, बोलेगा दिखा अपना बैलेंस शीट। उनको रिसोर्स मिल गया, नाउ एवरी रिसोर्स हैज टू बी बैक्ड बाय सोर्स, एवरी रिसोर्स हैज टू बी बैक्ड बाय द रिसोर्स विच इज नॉट बैक्ड बाय प्रॉपर सोर्स इज कालाधन, इज ब्लैक मनी। एनी रिसोर्स, ये कंप्यूटर हमारे बैलेंस शीट में है, ये राइटिंग पैड हमारे बैलेंस शीट में है, ये 2 AC हमारे बैलेंस शीट में, ये सारा फर्नीचर हमारे बैलेंस शीट में है, ये प्रोजेक्टर हमारे बैलेंस शीट में है, राइट। हर एक चीज जो आप देख पा रहे हैं यहां पे हमारा बैलेंस शीट में है, समझ में आया? So all these resources are backed by our source. Either I have taken loan, or the owner has contributed, or I have earned and then I have expanded. Room 3 का जो फर्नीचर है ना, वो 12 साल पहले का फर्नीचर है। जो भी लेफ्ट हैंड साइड में जो छोटा छोटा 5 रखा हुआ है ना, that was my first asset. फिर बच्चा और बड़ा तो हमने दाहिना तरफ वाला भी बनाया, फिर बच्चा और बड़ा तो ये वाला बना, फिर बच्चा और बड़ा तो ये वाला बना, फिर बच्चा और बड़ा तो उधर वाला बना। तो हमने रकम कुछ नहीं लगाया, 14 साल पहले का बात बता रहा हूं, चटाई में चलो बैठा था, उससे जो फीस आया उससे 5 बेंच बनाया गया। तो मेरे पास हर एक चीज का हिसाब है, मेरा सोर्स है। अगर किसी भी चीज के पीछे कोई सोर्स नहीं है, मतलब वो चोरी का मामला है, एकदम साफ। या आपने ऐसा पैसा से कमाया है जिसको आपने रिपोर्ट नहीं किया। तो हर एक रिसोर्स के पीछे एक सोर्स होगा, गवर्नमेंट ये खोजेगी रेड में, और जिस का आप रिसोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे वो आपका अनएक्सप्लेन्ड एसेट होगा, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट होगा, एंड दैट अनएक्सप्लेन्ड अनएक्सप्लेन्ड जो भी एसेट इन्वेस्टमेंट है
आपसे साइन करा के लेकर जाएगी, जब्त कर लेगी, राइट? सो वी विल डू वन और टू. ओनर इन्वेस्टेड कैश रुपीज 1 लाख. ओनर इन्वेस्टेड कैश रुपीज 1 लाख. आप बताइए बिजनेस में, सो भी जो भी होगा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा. अगर ओनर पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा है पैसा, लेकिन अपन अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे? बिजनेस का एक्सपेंस, बिजनेस का इनकम, बिजनेस का इनफ्लो, बिजनेस का आउटफ्लो. तो बिजनेस में कौन सा रिसोर्स आ रहा है? रिसोर्स कैश, कैश 1 लाख. कौन दे रहा भाई? ओनर. बराबर हुआ? हाँ, एक लाख बराबर हो गया ना. इसी इक्वेशन को चेंज करना है हम लोगों को. कितना कैश? 1 लाख. रिसोर्स और बढ़ रहा है. 1 लाख का सोर्स ओनर है, बाकी हो गया 1.5 लाख. ठीक है, तो हम लोग आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास, आज के लिए इतना ही. ठीक है, सो एवरीवन विल कम फॉर द लाइव क्लास. अगर लाइव क्लास में नहीं आएंगे आप लोग तो यू विल बी एट अ प्रॉब्लम. जो बच्चा लाइव क्लास में नहीं आएगा, हम लोग उसको रेगुलरली डाउट सेशन, प्रैक्टिस सेशन में एंटरटेन नहीं करेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो आप लोग के पास में वीडियो है, वो वीडियो से ही आप लोग फिट पड़े. ऐसे ही बोलना बोला ना सर. ऑनलाइन में किसी का कोई डाउट है?